व्हाट्सअप गाइस, फनीएस्ट मीम्स लेके आए हैं ट्विटर सेगमेंट से। एबी क्रिक इन्फो चैनल से वीडियो है तो भाई लेने वाले फुल मजे। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब। और भाई अपडेट दे देता हूँ, इंडिया 46 रन पे नॉ आउट हो चुकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब तक आप देख रहे होगे तब हम देख रहे हैं, तब तक ये हालत है। जब आप देख रहे हो तब तक तो न्यूजीलैंड की बैटिंग आ गई होगी। 1 2 3 गो। बीसीसीआई इनवाइटिंग न्यूजीलैंड फॉर टेस्ट सीरीज इन इंडिया। डरिए मत, ये जगह बिल्कुल सेफ है। बारिश ले सेफ जगह। अफगानिस्तान के खिलाफ भी बारिश हो गई थी नोएडा यार। एक न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई, हम तो अभी तुड़ाई करके आ रहे हैं बांग्लादेश की, एटलीस्ट ठीक ठाक तुड़ाई करके आ रहे हैं हम लोग। यार तुम न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उस टीम के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। मतलब वो विलियमसन फायदे में रह गया, कह रहा देखा मुझे यकीन, मुझे भरोसा ही नहीं था तुम्हारे ऊपर। इंडिया में मैच और बारिश। और भाई जो मैं बांग्लादेश की सीरीज से कह रहा था ना, टेस्ट मैच से पहले से कह रहा था कि भाई एक मैच ड्रॉ होगा, न्यूजीलैंड एक मैच ड्रॉ करवाएगी पक्का। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि 5 के 5 दिन अच्छा खेल लेगी वो, नहीं। मुझे ये था 1-2 दिन बारिश होएगी और देखो 3 दिन में 2 दिन में रिजल्ट बांग्लादेश की तरह तो नहीं निकालने देगी न्यूजीलैंड। लग रहा है जो हमने बैटिंग, और ये अल्टीमेटली टेस्ट मैच बिल्कुल ड्रॉ की तरफ जा रहा है भाई। ये मैच पाकिस्तान जीत गई, ये तो फिर तय हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा। तो मतलब कहते ना वो स्टाम्प लग जाएगी कि पनौती बस यही था। हाँ, मेरा ढेंचा ही पनौती था, बाकी तो सब ठीक ही है। जो भी ये जो स्पिनर लेके आए हैं ना, ये एक वो है इनका वो अपना एक जिसने कम बॉल डाली है यार, वो जाहिद करके, उसका तो एटीट्यूड शेन वॉन से ऊपर है भाई। देखा तुमने कैसे देखता हुआ? अच्छा शेन वॉन भी ऐसे करता था ना, च्युइंगम चबाते थे उधर वाला यूं करके, इधर वाला यूं करके, और भैंस की आंख बॉल वाइड मार देता है। उसको कम बॉलिंग कराई है, अगर उसको थोड़ी ज्यादा बॉलिंग कराते ना, एक तो 30 रन ज्यादा ऐड हो जाते। वो बात भी नहीं करता किसी से ज्यादा। अच्छा मेरे से गलती हो गई, मैं ना फोटो लगानी भूल गया बैकग्राउंड में। एक बारी लगा दू, जरा लगा देता हूँ मैं, दिखाई देता हूँ। एक सेकंड जरा होल्ड करना, हाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो मैं पिक्चर तो पड़ी हुई है, मैं ना ऐड करनी भूल गया था। ये पड़ी हुई पिक्चर शायद जाहिद का भी है उसमें फोटो। एक सेकंड रुको, इसकी ऐसी की तैसी है उसमें, है शायद या नहीं। नहीं यार वो है नहीं, भैंस की यार नहीं वो है नहीं भाई। बताओ यार, मेन आदमी भूल गया मैं, मेन आदमी को तो रह गया। चलो देख लिया तुम लोगों ने, पता तो है ही तुम लोगों को, कल दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो भाई लोगों समझ में आ गया कहानी? ओके है, कोई किसी को डाउट हो, कोई शक हो तो बता देना, ठीक है। कोशिश पूरी है कि पाकिस्तान ये मैच हारेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाहता है। आज इन्होंने खुशियां दे दी हैं पाकिस्तानियों को कि देखो हम कमबैक भी कर सकते हैं। ऐसा माहौल बना दिया है जैसे एशेज ही जीत गए हों, जबकि 2 विकेट एक्स्ट्रा ली हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। पहले दिन 259 क्या होते हैं। आज इंग्लैंड ने विकटे चली गई, सब कुछ हो गया, कोलैप्स हो गया। एक टीम कोलैप्स होने के बाद भी 239 करती है, सिर्फ 20 रन पीछे रह जाती है इनके स्कोर से पहले दिन के, और जबकि उनको उनको पूरा दिन मिला भी नहीं। yes. कायदे से उनको 2 सेशन पूरे नहीं मिले इंग्लैंडियों को, क्योंकि उन्होंने लंच के बाद भी बल्लेबाजी करी है। आधा घंटा 40 मिनट ये खराब करके गए हैं लंच के बाद भी। तो ये भाई ये है इंग्लैंड की टीम, ये है पाकिस्तान की टीम। पहले दिन छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे टारगेट, तो यही वाली चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले मैं अब इंडिया को ले आते हैं जरा। हाँ जी, तो इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले जो है वो बांग्लादेश को बल्लेबाजी दी है। बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश को ही बल्लेबाजी दी थी। ये कहां से? कानपुर टेस्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरटेनिंग टेस्ट मैच हुआ था। हाईलाइट्स की बात कर, देखिए वेदर जो था, बारिश की संभावना पूरी थी। पहले दिन 35 ओवर का खेल हुआ, 107 पे 3 विकेट गिरी हैं। फिर उसके बाद 2 दिन का खेल नहीं हो पाया। फिर रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि इनकी ऐसी की तैसी T20 बनाते हैं 3 ओवरों में। क्या उस मैच की क्या हुआ? ये हुआ नहीं मैच आज? ओहो अच्छा 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 हाँ। तो फिर ये बीसीसीआई ने कहा है कि कल आ जाना सवेरे, नहा धो के, नए कपड़े पहन के, नहा धो के आराम से आ जाना 9:15 बजे, ठीक है। 8:45 पे टॉस करेंगे और 9:15 पे खेल चालू कर देंगे। गारंटी है इस बात की? कोई इसकी गारंटी नहीं, गारंटी है भाई इस बात की? नहीं है ना गारंटी। फिर क्या करें इसका टाइमिंग का? ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी यही डाली है टाइमिंग, और बीसीसीआई ने भी यही डाली है। देखो ड्रेनेज सिस्टम बहुत खतरनाक है, बहुत बढ़िया है। आज भी कुछ वीडियोज आई थी, पानी भाई यूं करके सोग लेता है ग्राउंड एकदम सपाक करके, तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब जैसे मेरी बबरो
पाकिस्तान के क्रिकेट को चूस के खा गई भैंस की आंखें, चूस के चूस गई पूरी की पूरी, खा नहीं गई चूस गई। वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम है वहां का, बेंगलुरु का बहुत बढ़िया सिस्टम है यार। ग्राउंड तुम तो कह रहे थे ग्राउंड बदल दो, पनौती ग्राउंड है ब्रो। आरसीबी जो है ना, आरसीबी थोड़े ना बड़े विचारों वाली टीम है, आप लोग देखते हो सिर्फ ट्रॉफी वगैरह, हम लोग देखते हैं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे सारे व्यवस्था है कि नहीं। एक बात बताओ, दुनिया में कहीं बारिश आ जाए, सबसे पहले बेंगलुरु का स्टेडियम याद आता है कि नहीं आता? ट्रॉफी का क्या है यार, ट्रॉफी आ जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2027 अपना ही है, उधर विराट कोहली ओडीआई ट्रॉफी उठा रहा होगा वर्ल्ड कप की, और इधर से आरसीबी की पहले उठा के गया होगा। हाँ, तो इस तरीके से प्लान किया जाता है भाई। तुम लोग ना स्क्रिप्ट में डाउट मत किया करो, बहुत मस्त स्क्रिप्ट है, शान से कह रहा हूं, शांति से आराम से बैठो, एंजॉय करो पिक्चर। मैं देख के आया हूं, बहुत बढ़िया एंड है, एकदम फर्स्ट क्लास एंड है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो सारा दिन भाई यही रहा हाल, ठीक है, सारा दिन यही देखते रहे। वो एक कैमरा जो है ना, वो वहां पे रेगुलर चलता रहता, अब कुछ हलचल होगी। और ये जितने भी है ना, बारिश रुक गई, बारिश आ गई, रुक गई भाई आधे घंटे में शुरू होगा भाई, 15 मिनट के बाद फिर अपडेट, फिर बूंदाबांदी चालू हो गई, फिर रुक गई, फिर चालू, ये चलता रहा पूरा दिन, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ये दोनों भाई साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, पाकिस्तान की सीरीज मिस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो पाकिस्तानियों को पेलने का इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है, तो उस पे छुट्टी में जा रहे हैं, दोनों पिता बनने वाले हैं। अच्छा, एक भाई ने ऊपर लिख रखा था, कहता इमेजिन रोहित शर्मा का जो बेबी है वो अगर 19 नवंबर को पैदा हुआ तो। नहीं भाई, 19 नवंबर नहीं भाई, भाई आगे पीछे कर लो भाई प्रोग्राम थोड़ा सा, मतलब भगवान जी से रिक्वेस्ट है, मतलब देखो ये आदमी के हाथ में तो होता नहीं भाई, 19 नवंबर नहीं, सुनने में तो ये आ रही है, ना ना ना, 19 नवंबर को कोई प्रोग्राम नहीं रखा, नहीं, नो, 19 नवंबर को हमने यहाँ पे आओ भाई थोड़ा शोक सभा रखी गई है, हमने 9:30 बजे की अरेंज कर रखी है शोक सभा, दुख बाटी, ठीक है, सब लोग आराम से आना, सब सफेद कपड़े पहन के आएंगे, ओके, काफी शांति बातें होंगी उस दिन, काफी शांति प्रिय बातें होंगी। तो ये भी पिता बनने वाले हैं भाई, ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। मिचेल मार्श, और मिचेल मार्श ही है ना, हाँ, और ट्रेविस टुल्ला, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात, हाँ, इसने बहुत अच्छी बात बोली है, साजिद ने कहा एज सुन एज जो रूट केम टू बैट आई टोल्ड हिम आई हैव प्लेड अगेंस्ट योर ब्रदर इन इंग्लैंड बट यू आर माई ड्रीम विकेट, सो ही स्टार्टेड लाफिंग बट दैट वॉज माई ड्रीम एंड मोस्ट प्राइज विकेट। ये इंटरव्यू हुए इसके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कहा कि वो मैंने ना उसको हैरी ब्रुक को देखा था कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, तो कह रहा मैंने उसको नोटिस कर रखा है काफी, तो वो कहता मैंने इसलिए प्लान करा उसको। और ये मतलब देखो बॉल बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा बॉल था, एक्चुअली मैं सही बताऊं वो एक ऐसा बॉल था जिसकी वजह से ना इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में थोड़ी हलचल मच गई थी भाई, और बहुत मोटिवेट कर दिया था पाकिस्तान को उस विकेट ने, वो विकेट बहुत खतरनाक था, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना बैकफुट पे जाके खेला टुल्ला कि बॉल जो है वो अपना कर गई काम भाई, इतना पीछे नहीं जाना, वो जेमी स्मिथ खेला अभी थोड़ी देर खेला है, वो बहुत खूब खेला, बहुत अच्छा खेला। और जो रूट तो भाई देखो रन तो यहां बनाने पड़ेंगे, एक चीज समझना, तो मैं एक चीज यहां पे और बता दूं सारे भाइयों को, पाकिस्तान की टीम ना मरेगी पता किस माइंडसेट से, आराम से खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम से झांट कुछ नहीं उखड़ने वाला इस टेस्ट मैच में, यहां चलेगी वीरेंद्र सहवाग वाली पॉलिसी कि जब तक खड़े हो बल्ला घुमाते रहो, जितनी बॉल मिल रही है उसमें मैक्सिमाइज करो, अल्टीमेटली ये टाइम कि यहां रन उस वजह से नहीं बनेंगे कि कौन कितनी देर के लिए खेला, जितनी देर खेला उसने क्या किया ये मैटर करेगा यहां, तो ये चीज याद रखना भाई सारे भाई, क्योंकि यहां पे ये वाला मामला ही नहीं है कि पहले 10 बोले देख लो, 20 देख लो, ये देख लो, और पाकिस्तान इसी माइंडसेट से मरेगा। वो तो ये आएंगे, ये सारे के सारे राहुल द्रविड़ वाला डिफेंस करेंगे, औकात इनकी विजय शंकर वाली भी नहीं है, ये याद रखना सारे भाई लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, तालियां हो जाए भाई एबी डिविलियर्स के लिए, दिस मींस एबी डिविलियर्स के लिए तालियां हो जाए भाई, ए भाई ये 23 करोड़ की बातें मत करो यार, 23 करोड़ यार भाई मेरे को घबराहट होती है, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट की बातें मत करा करो मेरे सामने, मैंने कितनी बारी बोला है आईपीएल की बातें मत करा करो, हैं इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट लिखते तुम्हारे हाथ पैर नहीं कांपते, 23 करोड़ कमेंट करी हुई इसने, काव्य है वहां पे, मालकिन जो कहेगी वो होगा, रुको अभी शांति रखो थोड़ा, सारा प्लान में है, सारा प्रोग्राम में है, आ रहे हैं अभी, रुको थोड़ा शांति रखो, थोड़ी शांति रखा करो, प्रोड्यूसर नहीं बनते हैं। हाँ तो भाई ये एबी डिविलियर्स के लिए तालियां इसलिए थी, मैं पढ़ लूँ क्या हुआ है, बेसिकली थ्री लेजेंड्स ऑफ द गेम
हाँ ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है भाई इनको शामिल कर लिया गया है और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही मान सम्मान वाली बात होती है बेसिकली। हाँ, मान सम्मान नहीं होता है जिंदगी में और क्या होता है। और उधर विराट कोहली ने भी कोई लेटर वेटर लिखा है भाई बहुत गजब तरीके से, हाँ कि भाई तुम हो खतरनाक प्लेयर हो और अल्टीमेटली प्लेयर हो टाइप, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, वो बहुत लंबा लेटर था। हाँ तो ये दो तीन बातें ही समझ लेना कि काफी तारीफ करी है, मतलब दिल से तारीफ करी है। ये तीन कौन कौन है, एक तो इसमें एबी डिविलियर्स है, दूसरा इसमें कौन है दूसरा, ये कौन सा आ गया, हाँ ये वो आ गया, मैंने वहां ओपन कर लिया, वो साइड में चला गया है। एबी डिविलियर्स ठीक है, एलेस्टर कुक, और भाई एक इसमें है ये अपनी फीमेल क्रिकेटर है नीतू डेविड ठीक है। तो ये है भाई, ये शामिल किए गए हैं और बेसिकली मान सम्मान वाली बात ही होती है, और तो क्या ही है यार जिंदगी में, और क्या ही लेके जाना है मतलब, ठीक है ना, समझ रहे हो। सही बात है, लेकिन अभी ले जाने की बात नहीं है भाई, इंडिया ऑल आउट हो गई 46 पर। और भैया यार आरसीबी का लोवेस्ट टोटल 49 था, इंडिया उससे भी नीचे। अच्छा उससे सॉरी तोड़ दिया। गुरुजी ये क्या हो गया भाई, सुन लो, जायसवाल ने 13 रन बनाए हैं, रोहित ने 2 रन बनाए हैं, बाकी कोहली और सरफराज ने 0 फोड़ दिए, पंत के 20 रन है, केएल राहुल जडेजा ने 0 फोड़ दी, कुलदीप ने भी इंटरेस्टिंग बनाया था क्या, अश्विन ने भी 0 फोड़ दी, कुलदीप के 2, बुमराह के 1, भाई सरविन रिचर्ड्स, सिराज उस्ताद होनी हो, 4 रन बना के नॉट आउट गए। यार आज क्या हो गया यार, मतलब दुख नहीं आ रहा मुझे, ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी बस वीडियो शूट करने से पहले मैंने सुबह ऑन करा, तब देखा बारिश आ गई और तब तक हमारे 3 आउट हो गए थे, फिर ये बता रही स्कोर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद, कह रही 6 आउट हो गए, मैंने कहा 6 आउट नहीं हुए, 3 ही आउट हुए थे, मैंने कहा दोबारा चालू हो गया मैच, चेक कर ले भैया 6 आउट हो गए थे, जब मैंने खोला 7 हो गए, भैया वीडियो देखते देखते ही खत्म होगी टीम इंडिया की बैटिंग आज। लंच में कुछ ज्यादा अच्छा बना था, नो डाउट उनकी बॉलिंग बहुत गजब रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पिच में नमी थी, उसका फायदा सीमर्स को मिला है, लेकिन क्या ये फायदा अपने बॉलर उठा पाएंगे, नहीं, लेकिन एक होता है फायदा उठाना, उन्होंने लूट लिया भाई, आरसीबी किस चीज पे प्राउड करेगी बताओ मुझे भाई, दुख तकलीफ पीड़ा एक साथ यार, इंडिया भी लाइक होता है बुरा अपने घर में, लेकिन इतना नहीं होता, बुमराह प्रैक्टिस कर रहा है भैया, बुमराह तैयारी कर रहा है कि बस अब नहीं छोड़ूंगा मैं, आज सबका बदला लेगा, वाइस कप्तान है ना, वैसे ही वाइस कप्तान है, तो देखते भी क्या होता है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ अभी इस टाइम पर कि पाकिस्तान वाले मैच में क्या चल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश फिर आ जाएगी बार बार जबरदस्ती इंग्लैंड वाले मैच में, अभी जब देखा था हमने थोड़ी देर पहले था 3 आउट थे पाकिस्तान के, 3 ही है अभी, तो ये कोशिश कर रहा है कि लड़खड़ा ले थोड़ा सा, लेकिन इंडिया के लिए यार समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया भाई, जब तक आप देख रहे हो क्या पता, होपफुली न्यूजीलैंड भी आउट हो जाए, बाय बाय, टेक केयर।